हे गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब तो जानते ही हैं कि बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, तो हमारा थोड़ा काम भी बढ़ जाएगा। तो मैं कुछ काम को रात को ही हमारे निपटा ली पंडा थी एक ताकि पढ़ेगा भी सुबह मेरा थोड़ा काम कम हो जाए। तो मैंने जो भी पूजा की थाली थी सभी को अच्छे से साफ करके रख ली थी रात को ही, और जो साड़ी मैं पहनने वाली थी उसको भी मैं रात को ही प्रेस करके रख ली ताकि सुबह इतना काम ना फैले। और फ्रूट्स को भी मैं शाम को ही सारे को खरीद के ले आई थी, तो इन सभी को भी अच्छे से साफ सुथरा करके धो करके रख दी हूँ। और ये मुझे न्यू बैंगल्स मुझे दिखे तो मैंने इसको भी परचेज कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसे परचेज कर ली थी। और बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैंने एक बड़ा सा थाली भी प्रात यानी उसको भी खरीद ली थी, क्योंकि मेरे पास जितने भी पूजा के बर्तन थे सभी छोटे थे, और जो ये मैं प्रात खरीदी हूँ ये थोड़ा बड़ा है, और इसमें सभी फ्रूट एक साथ इसमें अट जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं इसको खरीद ली थी। तो देखिए यहाँ पे सुबह के 4 बजे मैं आज उठ गई थी और इस जगह को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ली हूँ, और अच्छे से धो के इसको पूजा के लिए पे हम तैयार कर रहे हैं। और जो स्टडी टेबल था बच्चों का उसी से मैं यहाँ पे आसन बिठा दी हूँ माँ सरस्वती का, और ये जो आसन लगाई हूँ मैं, ये मेरा न्यू साड़ी का पीसेस है। इन सभी को मैं यहाँ पे अभी पहले यूज़ कर लेती हूँ ताकि अच्छे लगे। ये डेकोरेट मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसी से मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है, मोटिवेशनल आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, जरूर कमेंट करें। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ये ऑर्गेनाइज तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बस देखिए पूजा की तैयारी चल रही है, और आप तो जानते ही हैं आज है गणतंत्र दिवस, तो बच्चे स्कूल में पार्टिसिपेट लिए हैं, तो भी जब वहाँ पे जाएंगे इसलिए सुबह ही पूजा करना मतलब बहुत ही जल्दी हुआ पूजा करना, और अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज भी कर पाई और अच्छे से पूजा भी शुरू हो रहा है। और यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे स्कूल, तो जरूरी है बच्चों के लिए घर में पूजा करना जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि पंडाल तो बगल में लगी हुई है लेकिन वहाँ पे देरी से पूजा होगा और उतना देर तक बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना है। तो पूजा करके अच्छे से वो कुछ मीठा खा लेंगे, उसके बाद अपने स्कूल जाएंगे। और मेरे बच्चे हैं कि आज मीठा ही खाते थे सरस्वती पूजा के दिन में, तो देखते हैं आगे मैं क्या बनाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। ये पूजा की तैयारी चल रही है और ये पूजा मैं चावल कर की रही हूँ, और ये जो ब्लॉग जो बना रहा है मेरा डोगू बना रहा है घी क्योंकि वो अच्छे से हरी तैयार हो चुका घी है घी आपकी तो जल्दी से हम यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेते हैं। चलिए क्या है, धूप क्यों डाल रहे हो? सुबह घी देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट है, नारियल है, अनार है, चीकू है, गाजर है, लड्डू है और बेर है, बेर भी है। अच्छे से ले रहा हूँ। खराब कर रहे हो, हमारे पंड वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी।
हेलो गाइस, हैप्पी सरस्वती पूजा एंड रिपब्लिक डे, हैप्पी गणतंत्र दिवस। और आज है रिपब्लिक डे, इसके लिए तैयार हुई है और पार्टिसिपेट लिए स्कूल में, तो हम लोग स्कूल भी जाएंगे और वहाँ पे इसका पार्टिसिपेट भी देखेंगे और झंडे को हम अच्छे से सलामी देंगे और वो पल याद करेंगे जब हम स्कूल में वो अनुभव करते थे, क्योंकि तो स्कूल जा रही है, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, उसका अनुभव अभी हमें करना है। तो मिलेंगे हम, तो हम लोग चले, बाय बाय, पूरा खींच दी, हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। घर में पूजा हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या पल थे जब हम स्कूल जाते थे और एक महीना पहले से ही सभी मतलब जैसे जो भी जो भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, उसकी तैयारी करते थे। जब मैं तो सॉन्ग में हमेशा भाग लेती थी और मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग था, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो बस उसी चीज़ को अनुभव करने के लिए मैं हमेशा स्कूल आ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस चलिए आगे के पढ़ते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बस अब मैं चली और मेरे बच्चे चले घर की और बस वहाँ पे हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। ब्लॉग में बने रहे। ये मेरी पुन्नु रानी और इसको लगाना है लिपस्टिक और आपको देखो कैसे करती है। बात करो, बाहर निकालो लिपस्टिक लगी बुट की सफाई है। अरे ऐसे क्या करेगा कोई, देखिए सब गुस्सा है ना। ऐसे करो करो हां बस
ये तो कब से शौक लग गया रे? तब देखिए लिपस्टिक लगा ली। ये मेरी छोटी पुनो। अगर मैं सुबह से फोन दूँ तो ये लगा लगा के। ठीक है करो। ये बात। है ना? देखो। मामू बना के आई है सरस्वती पूजा में झंडा फहराने के लिए आई थी ना, स्कूल आई थी, स्कूल आई थी झंडा फहराने। एक और भाई, एक और भाई इधर करो ना। देखो एरा नहीं रहने पुनो, कितनी क्यूट लग रही है पुनो। हे हाय आ गया हमारा खाना। ठीक है जाओ, बाय बाय। आप कहाँ कर रहे? विश्राम। पुनु जा रही है। तेरा लिपस्टिक कहाँ चला गया? लिपस्टिक कहाँ चला गया? देखो चाटले पूरा। और रूही और पुनु जा रही है घर अपने पापा के साथ। फोटो हाँ बेटा, बाय बाय बाय। बनाती हूँ और अभी बनाऊंगी मैं आलू मटर छिमी और पनीर का सब्जी, और इसको मैं बनाऊंगी सेंधा नमक के साथ में। क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है तो बच्चे लोग आज मतलब सेंधा नमक का ही खाना मैं बना देती हूँ। वैसे तो मीठा हुआ इन सब करके रह जाते थे, लेकिन आज बोल रहे हैं कि 26 जनवरी भी हो गया और स्कूल से भी सभी कोई आ गए हैं, और मैं थोड़ा चेंज कर ली हूँ रोटी बनाने लगी। और इधर अभी बनाऊंगी मटर पनीर का सब्जी सेंधा नमक के साथ में, ताकि बच्चे लोग भी खा लेंगे अच्छे से। हाँ तो आज मैं जो पनीर मटर की सब्जी बनाऊंगी वो घी से बनाऊंगी। तो घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और घी से ही हम फ्राई करेंगे पनीर को। हल्के फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे नहीं, हल्का थोड़ा सा कटी कर लेती हूँ। और इधर उसी घी में जीरा और तेज़पत्ता डाल दी हूँ। और ये हमारा मटर जो छील चुका है, इसमें हम ज़्यादा मसाले का भी यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा मसाला भी पसंद नहीं करते हैं। और अभी इसमें डालेंगे सेंधा नमक, और मसाले में मैं डालूंगी ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्दी जीरा का पाउडर और धनिया का पाउडर, बस पानी डाल करके इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और बस मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ मूँगफली का पेस्ट, और इसी से हमारी जो सब्ज़ी है बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए कितना ज़्यादा ठीक हो जाएंगे ये सब्ज़ी। अब एक बार ज़रूर ट्राई करें व्रत में, ये बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर। तेरी धूप से राशन।